हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज देखिए हम कहाँ पर हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? पीछे की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। आज हम हैं श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, आइए अब हम आपको आगे से दिखाते हैं कि यहाँ बिल्डिंग है तो यहाँ पर मतलब इसका जो कैंपस है वो किस तरह का है। तो थोड़ी वीडियो आज हम शेयर करेंगे, फिर क्या कहते हैं जब फुर्सत होगी तो फिर हम क्या कहते हैं पूरी डिटेल से देंगे। यहाँ मंदिर भी बड़ा अच्छा सा बना है और हॉस्टल्स भी हैं, अच्छा क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर भी है और क्या कहते हैं पढ़ाई का सिस्टम भी अच्छा है। तो फिलहाल अभी आज हम क्या कहते हैं आपके साथ शेयर करेंगे क्या कहते हैं केवल कैंपस का। तो ये देखिए पीछे जो है साफ सफाई भी हो रही है, ये देखिए, और ये देखिए पानी जो है, ये देखिए ये जा रहा है। तो आइए अब हम आपको आगे से पूरी बिल्डिंग को है वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह इसमें लिखा है श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शॉर्ट फॉर्म में है SRMS मेडिकल कॉलेज है, ये बरेली में है। यहाँ ये वो बिल्डिंग है जिसमें क्या कहते हैं बच्चों की पढ़ाई होती है MBBS की। तो यहाँ पर क्या कहते हैं मेरा छोटा बेटा पढ़ाई करता है तो बस उसी के लिए आए थे, थोड़ा काम भी था और लेने भी आए थे, छुट्टियां भी हो गई हैं दीपावली की। तो फिर हमने सोचा क्यों ना यहाँ की क्या कहते हैं कि वीडियो आपके साथ हम शेयर करें। इससे पहले भी हमने शेयर की है यहाँ की, लेकिन उतना टाइम भी नहीं था तो सही से हम उतना दिखा नहीं पाए थे। आज थोड़ा सा टाइम है तो सोच रहे हैं थोड़ी सी आपके साथ वीडियो हम शेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, सबसे ख़ास बात है कि यहाँ साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर पेड़ वेड़ बहुत कायदे से लगे हैं, बहुत अच्छी गार्डनिंग है। ये देखो टोटल, ये देखिए यहाँ पेड़ हैं और बिल्कुल भी पत्ते जैसे गिरते हैं वैसे यहाँ की साफ़ सफाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या कहते हैं पानी है, ये देखिए ये यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ का, बहुत बड़ा कैंपस है। ये देखिए सारी मतलब आप जहाँ को नज़र दौड़ाएंगे वहीं पर यहाँ पर क्या कहते हैं बहुत अच्छा व्यवस्था होगी। ये देखिए साफ होकर पत्ते उठाए जा रहे हैं, ये यहाँ का पानी है। क्यों निकल रहा है पता नहीं, लेकिन नीट एंड क्लीन पानी है यहाँ का। ये देखिए ऐसे करके जा रहा है, होगा हो सकता है कैरियों के साइड कहीं जा रहा हो, कुछ व्यवस्था हो। ये देखिए बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या कहते हैं MBBS के बच्चों की पढ़ाई होती है, UG वाले बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग में। और ये यहाँ के पेड़ पौधे हैं, अभी फ़िलहाल छुट्टी हो गई है तो ये देखिए चारों तरफ जो है ना ये शांत हो रहा है, नहीं तो चारों तरफ बच्चे आपको दिखते हैं। इधर का कैंपस है, अभी हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे यहाँ के हॉस्टल किस साइड बने हैं, कॉलेज के हॉस्टल किस साइड बने हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ऑफिस से रिलेटेड क्या कहते हैं जो भी गाड़ियां आती हैं उनके लिए सामने देखिए पार्किंग बनी हुई है। इधर से भी हम आ सकते हैं पैदल पैदल। और ये क्या कहते हैं
बिल्डिंग्स बनी हैं। ये वो बिल्डिंग है, क्या कहते हैं, जहाँ मरीज एडमिट होते हैं। तो अभी हम क्या कहते हैं, इधर मेन क्या कहते हैं बिल्डिंग के पास है, और ये क्या कहते हैं इधर बिल्डिंग जो दिख रही है ये सब मरीजों के लिए है। एक अभी ये नई बिल्डिंग जो है ये तैयार हो रही है, लगभग हो गई है। ये देखिए ये यहाँ की पार्किंग, पैरा मेडिकल साइंस के बच्चों की पढ़ाई जो है वो इधर की बिल्डिंग में होती है। जैसे ये देखिए एरो लगा है, तो जो भी पैरा मेडिकल साइंस की पढ़ाई करते हैं वो इधर एक बिल्डिंग है। ये जो गाड़ी दिख रही है बस, उसके आगे रोड गई है, उधर है बस दो कदम की दूरी पे। और ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये भी पैरा मेडिकल की ही है। तो ये है, अब चलिए हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल यहाँ के कैसे हैं, कितनी दूर पर हैं, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब हम आपको यहाँ के हॉस्टल किधर बने हैं वो भी दिखा देते हैं। ये यहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर बना हुआ है। ये है थोड़ा सा डेली यूज वाली, क्या कहते हैं, खाने पीने के आपको सामान यहाँ मिल जाएंगे, अभी फिलहाल बंद है। ये है, और अब इधर हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ से आपका हॉस्टल शुरू हो जाते हैं बच्चों के। स्टार्टिंग में गर्ल्स हॉस्टल है, इसके बाद पीछे साइड बॉयज हॉस्टल है। ये गर्ल्स हॉस्टल है इधर बगल में। देखिए यहाँ पर बसें लगी हुई हैं, कॉलेज की हैं। ये है गर्ल्स हॉस्टल वाली बिल्डिंग ही है, ये वाले जो दिख रही हैं ये गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग है। स्टार्टिंग में उन्हीं की पढ़ती हैं, आगे पोस्ट ग्रेजुएट के। अब यहाँ देखिए एक ब्यूटी पार्लर की भी व्यवस्था है। ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल है, पीजी मेल हॉस्टल। सारे के सारे हॉस्टल हैं इधर दोनों साइड। ये भी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी हॉस्टल है इधर। स्टाफ हॉस्टल ये स्टाफ हॉस्टल है। ये सामने फर्स्ट ईयर बॉयज हॉस्टल है। अब यहाँ पर हम आ गए, ये पर ये है बॉयज हॉस्टल। इधर की जो बिल्डिंग दिख रही है ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों की है, और ये जो ऊंची वाली बिल्डिंग दिख रही है ये है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। मरीज देखते हैं। ये आ गए हैं अब हम बॉयज हॉस्टल में। इस साइड से थोड़ी दूर चलने के बाद आपको हमने दिखाया ही होगा। तो ये है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और इंटर्न्स यहाँ इस बिल्डिंग में हैं। ये जो ऊंची बिल्डिंग है ये, अब छुट्टी हो गई है तो बच्चे लगभग सब जा रहे हैं। ये कहाँ जाएगा सामान? अरे थोड़ा आगे कर दो यार। कहाँ? ये है बॉयज हॉस्टल। यहाँ की एक हम आपको चीज दिखाते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। अरे हेलो सोनस, सही बोल गए।
तो ये देखिए यहाँ पर तो है ना, हाँ साफ सुथरा, हाँ साफ सुथरा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पेरेंट्स के लिए बैठने के लिए व्यवस्थाएं हैं, तो कुछ कुर्सियों की व्यवस्था रहती है। ये सोफ़ा एक है, टेबल और एक ये सोफ़ा। अच्छा कर्टन है, एसी लगी है और ये पंखा लगा है, लाइट वगैरह है। ये क्या कहते हैं, वॉशरूम है, तो अच्छी व्यवस्था है। पेरेंट्स के लिए भी आराम से बैठ सकते हैं, यहीं पर बच्चों को बैठकर पेरेंट्स वेट करते हैं। तो ये है यहाँ का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। अब फिर हम बैक हो रहे हैं, तो फिर से हम दिखा देते हैं एक बार और आपको यहाँ की बिल्डिंग। ये देखिए सारी हॉस्टल, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, हर जगह एसी की सुविधा लगी रहती है, बाहर से दिखता नहीं। ये देख अपने कॉलेज में जनाब गाड़ी चला रहे हैं। अपन तो अभी अभी यहाँ से इज्जत नगर जाओगे? हाँ, तो इज्जत नगर छोड़ते हुए चल लूंगा। क्या करना है, क्यों छोड़ोगे उधर? तो अभी तो ऑटो से निकल लूंगा, उतनी देर में तुम इधर निकल जाओगे, बहुत दूर। हमें तो ज्यादा दूर थोड़ी ना, उस समय से पहुंच जाओ, 5-7 किलोमीटर तो है वैसे भी। हां तो मैं ऑटो से निकल, मेरे पास बहुत समय है, मैं ऑटो से निकल जाऊंगा। बरेली साइड जाना है ना मुझे, इस साइड तो था नहीं, जितने बरेली साइड कौन से गेट पे दे रहे हैं, निकलते हैं जहां पे। अच्छा लास्ट में, हां वो उधर वाला गेट नंबर 3, गेट नंबर 3 में देना है। हां नहीं, ये गेट तो है, वो गेट वो 1 या 3, दोनों में से कोई एक है। लाइट जल गई, कौन से वाले गेट से? ओपीडी, मेन ओपीडी ना, सीट बेल्ट लगा ले। क्या देना है बोला, दे दे, मैं यहाँ से दे दूंगा। वो एंट्री भी करनी होगी, एंट्री करानी है, मतलब कुछ नहीं हो, बस करना होगा। या फिर बस एंट्री करा दे बेटा, बस फिर चलते हैं। तो ये था श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज का, थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी। फिर आएंगे तो फिर आपको कुछ नई जानकारी हम देंगे। तो बस आज के वीडियो यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नहीं दल अच्छा, पापा है उधर है पापा।